नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर और सूखी लाल मिर्च की चटनी, जो खाने बहुत स्वादिष्ट है। इसे आप स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। जिसके लिए मैंने 25 से 30 सूखी लाल मिर्च ली है। ये लाल कश्मीरी मिर्च है, ये तीखी नहीं होती है और इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। देखिए फ्रेंड, ये इस तरह की होती है। मैंने ऊपर से इसकी डंडी हटा दी है, फिर मैंने इसे पानी में भिगोया था। और 4 बड़े साइज के टमाटर लिए मैंने। टमाटर हमारे एकदम पके होने चाहिए। और 1 टुकड़ा अदरक का लिया है तो, और 2 लहसुन की गांठ ली है। इनको हम छील लेंगे, अदरक और टमाटर को हम काट लेंगे। देखिए टमाटर भी मैंने काट लिए हैं, अदरक और लहसुन को भी मैंने छील लिया है। अब हम चटनी बनाएंगे। एक मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर हम लहसुन और अदरक दोनों डाल देंगे। अदरक के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर बनाएं। अब मिर्ची का थोड़ा पानी निचोड़ के फिर डाल देंगे। मिर्ची को आप अच्छे से धो के ही भिगोएं, अगर आपकी मिर्ची में मिट्टी है तो। अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच जीरे की डाल देंगे और ढक्कन लगाकर इसे पीस लेंगे। हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। और ये चटनी बहुत जल्दी बन जाती है। देखिए मैंने पीस लिया है, इसे 1 कटोरी में निकाल लेंगे। और इसी तरह हम उसी जार के अंदर टमाटर पीस लेंगे। देखिए टमाटर को भी मैंने पीस लिया है। हम गैस ऑन करेंगे, पैन रखेंगे। आप बिना तड़का लगाए भी चटनी को खा सकते हैं, मैं तड़का लगाऊंगी। अब हम इसके अंदर 1.5 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। आप रिफाइंड ऑयल या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तेल गर्म होने पर हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अजवाइन डाल देंगे 1/4 चम्मच। कलौंजी डाल देंगे 1/4 चम्मच। और हींग डाल देंगे हम इसके अंदर 2 पिंच के करीब। इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भून जाने के बाद पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब मिर्ची को हम अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर मिर्ची को हम अच्छे से भून लेंगे। मिर्ची भुन गई है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। इस चटनी को अगर आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें वाइट सिरका डाल सकते हैं 2 से 3 चम्मच। फिर ये चटनी आपकी 1 महीना चल जाएगी। और तेल भी आप इसके अंदर ज़्यादा डालें, तभी चटनी ज़्यादा दिन तक चल पाएगी। देखिए मिर्ची हमारी बहुत ही अच्छे से भुन गई है। अब हम इसके अंदर 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालें वरना ना डालें। आप देख सकते हैं मिर्ची ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने टमाटर पीसे थे वो डाल देंगे। फ्रेंड्स मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए आपको थोड़ी आवाज़ में फ़र्क आएगा। देखिए पिसा हुआ टमाटर मैंने डाल दिया है। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। पूरी चटनी को हमें मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, नहीं तो चटनी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। चटनी को अगर आप मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तभी चटनी का जो टेस्ट है वो बरकरार रहेगा। अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें, चटनी को मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। जितनी चटनी धीमी आंच में पकेगी तभी चटनी का टेस्ट जो है काफ़ी आएगा। अब स्वाद के अनुसार हम इसके अंदर नमक डाल देंगे।
बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हमारी ये स्वादिष्ट चटनी तैयार हो गई है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आपने देख ही लिया है, जब कभी सब्जी खाने का मन ना हो तो आप इस चटनी को बना के खा सकते हैं, इसे स्टोर कर भी रख सकते हैं और आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। चटनी को हम अब 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। 2 मिनट बाद हम चटनी को वापस से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं चटनी ने तेल छोड़ दिया है। चटनी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत ही सुंदर दिख रही है और खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ज़रूर इस तरह से चटनी बनाएं। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दूंगी, 3 चम्मच के करीब। मैंने देसी घी का यूज़ किया है, इससे चटनी का टेस्ट जो है काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आपकी चटनी में मिर्ची ज़्यादा है तो वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आपसे कभी सब्जी में तेज मिर्ची डल जाती है तो आप उसके अंदर 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल दें, मिर्ची जो है वो कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं चटनी हमारी अच्छे से पक गई है और कितनी सुंदर दिख रही है। अब हम इसको अच्छा सा टेस्ट देने के लिए 1 नींबू का रस डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको खट्टी चटनी थोड़ी पसंद है तो ही आप इसके अंदर डालें, वरना ना डालें। पर 1 नींबू के रस से ज़्यादा चटनी खट्टी नहीं होगी। आप इस तरह से एक बार चटनी ज़रूर बनाएं। देखिए फ्रेंड, हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। बहुत ही सुंदर कलर आया है हमारी चटनी पे और ये दिखने में जितनी सुंदर है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप सभी को अन्नपूर्णा रसोई की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।